आगरमालवा सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी को भाजपा प्रदेश प्रवक्ता बनाए जाने पर आगर परमार परिवार के द्वारा सम्मानित किया गया। इसमें कार्यकर्ताओं के द्वारा फूल माला पहनाकर उन्हें शुभकामनाएं दी गयी। इस दौरान सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पीड़ितों के लिए, महिलाओं, बच्चों, छात्राओं, व्यापारियों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं लाकर उनका सशक्तिकरण करने में लगे हैं, लेकिन विपक्ष को ये मध्य राज नहीं आएगी। और साथ ही विपक्ष के लोगों से आज जनता पूछने लगी है कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी चौमुखी विकास कर रहे हैं, देश की एकता, अखंडता और देश की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, इन 70 सालों में आप ये क्यों नहीं कर पाए। आज विपक्ष के पास इसका जवाब देने के लिए शब्द नहीं है, तो विपक्ष ने एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के अंतर्गत उन्होंने तय किया कि नरेंद्र मोदी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान की सरकार कुछ भी करे, हमें इसका विरोध करना है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है, हम उसके लिए कानून लेकर आते हैं। तो विपक्ष के द्वारा सहभाग के रूप में और आनंद बाग के रूप में, लाल बाग के रूप में, रानी बाग के रूप में इसका विरोध किया राया जाता है, जिससे ऐसा लगे कि नरेंद्र मोदी जी गलत कानून लेकर आए हैं। जहां नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब भी दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पीड़ितों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, व्यापारियों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं लाकर उनका सशक्तिकरण करने में लगे हुए हैं, परंतु विपक्ष को ये बातें रास नहीं आती, क्योंकि विपक्ष के लोगों से जनता पूछने लगी है कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी चौमुखी विकास कर रहे हैं, देश की एकता, अखंडता और देश की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, 70 वर्षों में आप ये कार्य क्यों नहीं कर पाए। आज विपक्ष के पास इसका जवाब देने के लिए शब्द नहीं है।